दोनों के बीच की दूरी कितनी है फाइनली, तो हम लिखेंगे डी का स्क्वायर, क्या लिखेंगे डी का स्क्वायर। अब डी की वैल्यू क्या आएगी अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये एल है और ये भी एल है, हम इसको भी एल ले लेते हैं, है ना, तो ये आएगा एल साइन थीटा और ये भी एल साइन थीटा। तो आप लिखोगे डी, डी को क्या लिखोगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस टू एल साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, फिर यहां पे देखोगे आप लोग, आपको समझ में आएगा टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू गिवन एफ ई, एफ ई की वैल्यू आप लोगों को पता ही, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस टू एल साइन थीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज ये एल साइन थीटा है, ये भी एल साइन थीटा होगा, तो डी की वैल्यू आएगी एल माइनस टू एल साइन थीटा। समझ में आया बच्चों? अरे आ गया क्या? हाँ, ये कैपिटल ले ले, याद रखना। समझ में आया? तो इससे इक्वेशन बनेगी, आप बता दोगे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड दे दिया जाए, वही सेम वही है बस, और कुछ नहीं, इक्वेशन बनाने सिखाई आपको कि घबराओ ना आप ऐसे क्वेश्चन को देख के, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन डील कर लोगे अगर आपके पास आ जाए तो। फिर उसके बाद में बच्चों आती लामिज थ्योरम, लामिज थ्योरम पे भी क्वेश्चन आते हैं, लामिज थ्योरम पे भी क्वेश्चन आते हैं। अब लामिज थ्योरम पे क्या क्वेश्चन आएंगे, जैसे बेसिकली मैं बता देता हूँ पहले, तो लामिज थ्योरम होती क्या है, मान लो ऐसे ऐसे फोर्सेस लग रही है कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में, उसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रही है, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और थ्री फोर्सेस उस पर लग रही है, इसको मैं नाम देता हूँ एफ वन, ठीक है, इसको एफ टू और इसको एफ थ्री, हाँ वही है, वो साइन साइन रूल बोल देते हैं शायद इसको मैथ्स में तुम्हारे, F1, F2 और F3, समझ में आया? हाँ, अगर कोई एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, F नेट क्या हो जाएगा, जीरो, यहां पे कोई बॉडी रखी है उसके ऊपर तीन फोर्स लग रही है और नेट फोर्स जीरो है, तो आपसे बोल देंगे ये F1 है मान लो, ये F2 है और ये F3 है, ठीक है, तो जो F1 के अपोजिट वाला एंगल होगा वो अल्फा होगा, जो F2 के अपोजिट वाला एंगल होगा वो बीटा होगा, और जो F3 के अपोजिट वाला एंगल होगा वो गामा होगा, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। तो हम बोल देंगे इस केस में F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन साइन गामा, समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ, तो यहां पे F1, F2, F3 आर द फोर्सेस ऑन अ बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम, विच इज इन इक्विलिब्रियम, समझ में आया? तो ये रूल लगाना है, इससे रिलेशन मिल जाते हैं हमें। तो एक रोडो का क्वेश्चन था, कम से कम डेढ़ से दो पेज में सोल्व होता है, और यहाँ पे ये लैमेज थ्योरम की वजह से बहुत इजीली सोल्व हो जाता है। एक दीवार थी ऐसे, उन्होंने बोला, और इस दीवार पे यहाँ पे हमने एक बॉब हिंज कर दिया, और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक चार्ज क्यू रख दिया, क्या रख दिया, क्यू चार्ज, और एक बॉब था वो भी हमने यहां पे ऐसे लटकाया पहले, तो इनिशियली, ठीक है, बट जैसे इसको भी हम क्यू चार्ज दे देंगे तो वो भी कुछ ऐसे हो गया, ध्यान से देखना है सभी ने, ऐसे हो गया, हवा में रिपेल होगा ना, वो वैसे हवा में आ गया। फिर से सुन लो, यहां पे क्यू चार्ज रख दिया हमने, चिपका दिया इस पे, और एक बॉब को क्यू चार्ज दे दिया, तो रिपेल होके इससे दूर चला गया और ऐसे चला गया, अगर इसके पे चार्ज हटा दोगे तो ये बिल्कुल ऐसे पास आ जाएगा, ठीक है। हाँ, याद रखना जो ये लेंथ है यहां से यहां तक की, ये एल है और ये भी क्या है, एल ही होगी, सिंपल सी बात है, जब ये
छोड़ते ही इसको टच करेगा था। आपसे बोला गया इस बॉब का मास है एम, चार्ज है क्यू, बॉब का मास है एम, चार्ज है क्यू, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है यहां पे थीटा एंगल बना रहा है, क्वेश्चन पूछा फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टाइम पीरियड नहीं है यहां पे, टेंशन है, क्या है टेंशन, कैलकुलेट करो, शाबाश। यस, तो सबसे पहले तो देखो ध्यान से, आप क्या बोलोगे कि मास है एम तो नीचे लगेगा एम जी, ठीक है, फोर्स इसकी वजह से लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर, और एक टेंशन लग रहा है इधर। आपने क्या देखा, इसको लाइन ज्वाइन ये कर रही है, आप देखोगे ये एल, ये एल, ये एल और ये एल, तो ये भी क्या है, ध्यान से देखना है, ये आएगा एक्स, मान लो एंगल, मान लेता हूं कोई भी, सपोज ये एंगल अगर मेरा एक्स हो गया, ये एल है, ये एल है, तो ये भी एक्स होगा, चलो उससे क्या लेना देना, ये एक्स तो ये भी एक्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, समझ में आया, हाँ। और अब जानते हो ये एक्स तो ये 180 माइनस एक्स, इधर इस पे लग रहा है इस चार्ज के ऊपर एफ ई, इसके ऊपर क्या लग रहा है एफ ई, तो आप सीधा लिख दोगे एफ ई, ठीक है, हाँ यस, इधर लगेगी टेंशन, इधर एम जी, इधर एफ, ठीक है बच्चों, हाँ। तो अब ये 180 माइनस थीटा, ये एक्स तो ये भी एक्स, क्योंकि ये आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो ये भी 180 माइनस एक्स, ये भी 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ध्यान से देखना है सभी ने, इफ द बॉब इज इन इक्विलिब्रियम then t upon sine 180 minus x, समझ में आया, and mg upon sine 180 minus x। अब ये दोनों तो कट गए according to Lamy's theorem, ये लिख दिया, ये दोनों कट गए, टी इज कस्टू क्या आ गया एम जी, समझ में आया, ये 1.5 से 2 पन्ने में क्वेश्चन सोल्व होता है, ठीक है। अरे आया क्या बच्चों, बताओ शाबाश, क्लियर, हाँ। अब आगे चले क्या, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है अभी जो ट्राई करेंगे, ठीक है ना, हाँ आ जाओ। देखो बच्चों ध्यान से आगे चलते हैं, देखो मान लो हमारे पास ऐसे एक बॉब है, ठीक है, जिसका मास एम है और इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहां पे भी चार्ज क्यू रख दूं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, इस पे नीचे क्या लग रहा होगा, mg भी लग रहा होगा, हाँ। तो आपसे बोला गया कि इनिशियली मैं इसको क्या वेलोसिटी दूं, u, सो दैट इट विल कंप्लीट द सर्कल।
अब आप बोलोगे सर ये तो क्या है, ये तो पूरा का पूरा वही है, मैकेनिक्स है ना पूरा, अभी इसलिए पटाके सीधा यहां पे लेके आया हूं तुम्हें, सो दैट इट विल कंप्लीट द सर्कल। बेटा वो कब होता है, कब होता है आदित्य? वो जब होता है जब केवल एमजी लग रहा हो उसमें, देख मैंने तेरे को बताया भी हुआ है, यहां पे देख इस पे नीचे एमजी लग रहा है प्लस इन दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लग रहा है ऐसी। अगर इसकी लेंथ एल है, अगर इसकी लेंथ एल है तो इस पे लगेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, है ना। और अब बता रहा हूं ऊपर टेंशन लगेगा, समझ में आया, आया ना। इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक वहां पे करवाया भी था, याद हो तो तुम लोगों को, नहीं याद है तो लॉन्ग ट्रिक यहां पे करवा रहा हूं, लॉन्ग तो ट्रिक थोड़ी होती है, सॉल्यूशन ही होता है, पर शॉर्ट ट्रिक तुम वहीं से करोगे। मैंने बोला था कोई एक फोर्स अगर एफ भी नीचे लगे तो आंसर चेंज हो जाता है और इस फैक्टर से चेंज होता है, देखना एक बार तुम्हारा नोट्स। तो फाइंड यू मिनिमम सो दैट इट विल कंप्लीट द सर्कल। तो आपको पता है टॉप पे पहुंचते टाइम है ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं तो सोच रहा था पूरा चल पड़ेगा ये। हाँ चलो कोई नहीं, टॉप पे पहुंचते टाइम पार्टिकल के ऊपर टेंशन जो होना है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर टॉप पे टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो पार्टिकल कंप्लीट सर्कल करेगा, अगर वहां से पहले कहीं जीरो हो गया तो कंप्लीट सर्कल नहीं कर पाएगा। ये तो पता है ना, अरे पता है या नहीं पता है? पार्टिकल्स कंप्लीट सर्कल तभी करेगा जब टॉप से टॉप पे पहुंचेगा, वहां पे टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो चलो पहली इक्वेशन तो आई हमारे पास, है ना। तो सबसे पहली बात की सबसे पहली इक्वेशन हम लेंगे टेंशन एट पॉइंट सी, ये सी नाम दे देता हूं उसको, इसको ए, इसको बी और इसको सी। तो टेंशन एट सी, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे, ऊपर लेके जाता हूं थोड़ा, ऐसे सर्कल बना रहा है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे ऊपर लगेगा एफ ई, नीचे लगेगा एम जी और नीचे ही लगेगी टेंशन, विच इज टेंशन एट सी, है ना, यही होगा ना। और ऊपर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल एम वी स्क्वायर बाय आर। तो आप क्या करोगे, टीसी प्लस एमजी इजक्स टू एम वी स्केयर बाय आर प्लस एफ ई के क्यू स्केयर बाय एल स्केयर, समझ में आया? हाँ। तो टी एट सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, टी एट सी की वैल्यू क्या आएगी, एम वी स्केयर बाय आर प्लस के एल के क्यू स्केयर अपॉन एल स्केयर माइनस एम जी, और टी सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, समझ में आया? तो हम बोल देंगे दिस टर्म शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, समझ में आया क्या बच्चों? अरे आया क्या? अरे ये टीसी ग्रेटर होगा तो टीसी इसके बराबर है तो ये भी ग्रेटर होगा जीरो से, तो लिख दिया
पहली बात। अब दूसरी बात आती है कि सर अब हम करेंगे कि किस किस ने वर्क डन किया, वर्क एनर्जी जो एनर्जी कंजर्वेशन है ना, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाएंगे तो हम लिखेंगे, देखना ध्यान से, वर्क डन बाय एमजी, वर्क डन बाय एफई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस वर्क डन बाय टेंशन, प्लस वर्क डन बाय टेंशन, हाँ कि ना, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया बच्चों? ये लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, दूसरी इक्वेशन एनर्जी की लगाते थे, पहली लगाते थे फोर्स की और दूसरी एनर्जी की वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, हमेशा कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना। तो बच्चों ध्यान से देखोगे तो एफ ई तो इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, है ना? अरे एफ ई इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है परपेंडिकुलर। किसी भी इंस्टेंट पे जाके देख लो, एफ ई इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, एफ ई इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। तो किसी भी इंस्टेंट में पूरी जर्नी में जो एफ ई और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो वर्क डन बाय एफ ई क्या हो जाएगा? जीरो। अब आता है वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन इसके जस्ट अपोजिट लग रहा है तो वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो वो भी जीरो। अब आता है वर्क डन बाय एमजी, तो अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट मानोगे तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जीरो, तो यहां पे क्या होगी? यहां पे आएगी mg2r, क्योंकि ये हाइट कितनी है, 2r है। तो वर्क डन बाय एमजी बेसिकली u इनिशियल माइनस u फाइनल, एंड k फाइनल की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 mv स्क्वायर माइनस k इनिशियल की वैल्यू 1/2 mu स्क्वायर। u इनिशियल की वैल्यू क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जीरो माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल mg2r। समझ में आया? हाँ बच्चों ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। एम वी स्क्वायर बाय आर में भी यहाँ पे आर एल के बराबर है, तो यहाँ पे एल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, घबराना नहीं है किसी ने। रेडियस ऑफ सर्कल भी वही है बच्चों, यहां से देखो, मैं मान लेता हूं मिनिमम कंडीशन मान लेता हूं कि ये जीरो के बराबर होगी, तब भी क्या होगा, कंप्लीट सर्कल कर लेगा, एटलीस्ट जीरो के बराबर होनी चाहिए। तो आप लिखोगे एम वी स्क्वायर बाय एल प्लस के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो, एटलीस्ट ये कंडीशन तो होनी होनी चाहिए, हाँ कि ना? अरे होनी चाहिए ना, यस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ये तो टेंशन किसी भी पॉइंट पे निकालते रहो, कैलकुलेट करते रहो, क्या जा रहा है? है भाई, किसी भी पॉइंट पे निकालते रहो, कैलकुलेट करते रहो, क्या जा रहा है? तो आपके दिमाग में आया कि सर मेरे पास एमवी स्केयर क्या है? एक डेटा है जो यहां से मैच कर सकता है कुछ हद, एक एमयू स्केयर भी है ना, हाँ। तो क्या मेरे पास ये काम आएगा? क्या मेरे ये काम आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, इन टू टू को उधर फेंक दूंगा, तो आएगा माइनस फोर एम जी आर इजकस टू एम वी स्केयर, एम एम भी कैंसिल आउट कर दो दोनों साइड से, एम एम भी कैंसिल आउट कर दो दोनों साइड से। तो आप क्या करोगे, हाफ एम वी स्केयर माइनस हाफ एम यू स्केयर, एम कैंसिल आउट कर दो, दो को उधर ले जाओ, तो आएगा फोर जी आर माइनस का इजकस टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। तो यहां पे वी स्केयर की वैल्यू क्या आएगी, वी स्केयर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस फोर जी आर प्लस का यू स्केयर। ठीक है ना,
समझ में आया, ये आ गया आपके पास 20 केयर की वैल्यू आ गई ना। ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। अब इस 20 केयर की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, आ जाओ तो M by L, 20 केयर की वैल्यू को पुट करो, दैट इज यू स्केयर माइनस 4GR प्लस के क्यू स्केयर बाय एल स्केयर माइनस एम जी। ये तो यहां पे हो गया माइनस एम जी, इजकस टू जीरो है ना। देखना एक बार ध्यान से, ठीक है, मैं वापस लेके आ रहा हूं तुम्हें उसी डाटा पे और उसी चीजों पे। एम यू स्केयर बाय एल है ना, एम जी आर, क्या ये आर है वो भी एल के बराबर है? अरे एल के बराबर है ना, तो ये टू आर है तो टू एल के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आर है उसको भी एल लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो एम यू स्केयर बाय एल माइनस फोर एम जी एल अपॉन एल प्लस के क्यू स्केयर अपॉन एल स्केयर माइनस एम जी। क्या ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, वापस मैं उसी पे लेके आ रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है सभी ने। एल से एल कट गया बच्चों, ये फोर एम जी है, ये माइनस का फोर एम जी है, ये माइनस का एम जी है, तो माइनस का फाइव एम जी हो गया। ये प्लस का के क्यू स्केयर बाय एल स्केयर है और ये है एम यू स्केयर बाय एल, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझ में आया? अरे आया क्या? यस। अब ध्यान से देखना है सभी ने, एम से डिवाइड कर दो, एम से डिवाइड कर दो, दोनों साइड है, एम से डिवाइड कर दो। शाबाश, एम से डिवाइड करो तो क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा बच्चों। यहां पे इस इक्वेशन को एल से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी इस इक्वेशन को एल से मल्टीप्लाई कर दो और एम से डिवाइड कर दो, दोनों साइड, दोनों साइड कह रहा हूं, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो कुछ ये रिलेशन आएगा और फिर यहां से आप यू निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी। समझ में आया सभी को? आया क्या बच्चों? कुछ सोच पा रहे हो? ठीक है, और यही मैंने आपके वहां पे भी बताया था शॉर्ट ट्रिक में, अगर नीचे फोर्स लग रहा होगा तो उसको ऐसे ऐड कर देना यहां पे F बाय M इंटू रेडियस ऑफ सर्कल, या ऐसा कुछ था F बाय M इंटू R, ऐसा कुछ करके शॉर्ट ट्रिक में करवाया था वहां पे, अगर एडिशनल फोर्स लगेगी तो। बताओ बच्चों पता चल गया ना, कर लोगे या नहीं कर लोगे इसको, जल्दी बताओ। किसी को कोई डाउट, रिपीट करना हो रिपीट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे ना यहां तक, है ना? गुड। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आती है, याद रखना, कहीं से भी किसी से उठा के किसी में पुट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। यस, गुड। तो बच्चों इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। याद रखना एक सिचुएशन यही है बस सेंटर ऑफ मास की एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, कि टी एट सी फॉर कंप्लीटिंग सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल टी एट सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सी मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे है,
कर लोगे बच्चों, कर लोगे ना? हाँ, तो अब आ जाओ आगे चलते हैं, आ जाओ। अब कई बार क्या पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि मान लो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एट 2, 3, 4। ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एट 2, 3, 4 और चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2 कूलम, ठीक है, एंड द सेकंड चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एट 5, 8, 9 एंड मैग्नीट्यूड इज 3 कूलम। जब कभी भी ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो वहां पे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ यूज करते हैं, नॉर्मली यूज नहीं करते, क्योंकि कई बार यहाँ पे जो आंसर आता है वो वेक्टर फॉर्म में आ जाता है, आई जे के की फॉर्म में। नॉर्मली तो आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, पर कई बार जब वेक्टर फॉर्म में आ जाता है तो हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ यूज करते हैं। तो एडिंग डाल लो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ डालो, शाबाश, लिखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, शाबाश। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या बनाओगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे ऐसे, आपसे बोल दिया जाएगा कि यहां से r1 वेक्टर की दूरी पे ये चार्ज है q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है r1, दूसरा चार्ज है q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है r2, जिसका पोजीशन वेक्टर है r2, समझ में आया? यस। एक चार्ज है q1, एक चार्ज है q2, एक का पोजीशन वेक्टर है r1, दूसरे का है r2। आप खुद सोचो अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या q2 पे जो फोर्स लगेगा q1 की वजह से वो इधर लगेगा, रिपल्शन, दैट इज f on 2 due to 1, और q1 पे जो फोर्स लगेगा 2 की वजह से वो इधर लगेगा, दैट इज f on 1 due to 2। समझ में आया? अरे आया नहीं आया बताओ, आया ना? बस तो फिर क्या दिक्कत है? बिल्कुल। तो बच्चों f on 2 due to 1, I repeat, f on 2 due to 1 जो लगेगा वो देखना है हमें। तो आप लिखोगे k q1 q2 upon r square, r square क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, है ना? तो बच्चों अगर मैं बनाऊं ये r1 है ये r2 है, अगर मैं ऐसे बना दू r, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन R1 प्लस R क्या इज इक्वल टू R2? अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस। तो आप जब R ऐसे बनाओगे तो R को क्या लिखोगे, R इज बेसिकली R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है ना? यस। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा यहां पे मैं लिखूंगा आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू आर वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, ये तो मैग्नीट्यूड लिख दिया, अब ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी आ जाए। अब ध्यान से देखना एफ टू वन को मैं क्या लिखूंगा यहां पे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन, क्या r को मैं यहां पे लिख दू r2 माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू r यूनिट वेक्टर, ध्यान से देखना r यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ये आएगा r2 माइनस r1 अपॉन r2 माइनस r1 का मोड, ये यूनिट वेक्टर आएगा ना आर के लोंग, अरे आर के लोंग यूनिट वेक्टर यही लिखोगे ना, अरे ये वही तो बात है, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो आप लिख दोगे यहां पे आर कैप को आर टू माइनस आर वन
अपॉन आर टू माइनस आर वन का मोड। तो इसको जब कंप्लीटली लिखोगे आप तो आपको नजर आएगा एफ टू वन इज बेसिकली के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू माइनस आर वन वेक्टर का क्यूब इंटू आर टू माइनस आर वन वेक्टर। समझ में आया? तो बच्चों आपको आर वन पता है, आर टू पता है, क्यू वन पता है, क्यू टू पता है, तो आप वेक्टर निकाल लोगे, फोर्स निकाल लोगे, फोर्स निकाल लोगे ना। हाँ, तो बेसिकली इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं आर वन टू, जिसे हम ए से बी पॉइंट के बीच में जो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, ए से बी तक जाते हैं तब, तो हम लिखते हैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर इज बेसिकली पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो आर ए माइनस, सॉरी आर बी माइनस आर ए लिखते हैं ना, हाँ कि ना। ऐसे ही जब वन से टू जाओगे तो हम लिखेंगे पोजिशन वेक्टर ऑफ टू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ वन, इसको लिख देते हैं आर वन टू। ठीक है, यस। आगे देखना, क्या जो F12 है वो इसके जस्ट अपोजिट फोर्स होता है, होता है ना, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। तो हम लिखेंगे F12 इज जस्ट नेगेटिव ऑफ F21। लिखो K Q1 Q2 अपॉन, इसका नेगेटिव करोगे तो क्या आएगा यहां पे R1 माइनस R2 अपॉन आर वन माइनस आर टू का क्यूब। समझ में आया? अरे नेगेटिव को अंदर लेके जाओगे, ये नेगेटिव साइन, इसको अंदर लेके जाओगे तो आर टू का माइनस हो जाएगा, आर वन प्लस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना समझ में आया? नहीं आया? आया, यस। तो आप लिख दोगे एफ वन टू की वैल्यू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन प्लस आर वन माइनस आर टू का मोड। बच्चों इतना समझ में आया? ये हो गया आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बच्चों ध्यान रखना, स्केलर में क्या करते थे हम, कॉमन सेंस से डायरेक्शन निकालते थे और चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट करते थे। यहां पे थोड़ा अलग है, यहां पे जो लिखवाया है उसी तरीके से आपको फोर्स निकालनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। और चार्ज को विद साइन लिखना है। समझ में आया? जो फॉर्मूला बताया है उसी में पुट करना है और चार्ज को विद साइन लिखना है। समझ में आ गया सभी को? आ गया ना? रिपीट करता हूं एक बार, देखना ध्यान से, समझना अच्छे से। देखो बच्चों, हमारे पास दो चार्जेज है Q1 और Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का R2। ठीक है, नाउ द फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज एफ टू वन, दैट इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर। आर इज बेसिकली दिस इंटू आर का यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है, ये क्या आएगा, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दे देगा, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हम लिखेंगे एफ टू वन इज बेसिकली के क्यू वन क्यू टू। अब बच्चों ध्यान से देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो ये इनका रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी। तो b को निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, a प्लस बी माइनस ए। ऐसे ही मैंने देखो a प्लस बी इज टू आर टू, आर वन प्लस आर इज टू आर टू, फिर यहां से r निकाला, r की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी, फिर यूनिट वेक्टर लिखा r का। अरे r अगर वेक्टर ये है तो यूनिट वेक्टर भी निकाल लोगे ना r का, वो ऐसे लिखा, फिर मैंने रिप्रेजेंट करके बताया देखो ऐसे लिखते हैं ये, फिर मैंने बोला F21 है ये, फिर
फिर मैंने बोला हम जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करती है फोर्स, एफ टू वन इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ वन टू, तो एफ वन टू इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ एफ टू वन, लिख लोगे के क्यू वन क्यू टू, अब जो नेगेटिव साइन है वो अंदर घुसेगा तो इस आर टू को नेगेटिव कर देगा, आर वन को पॉजिटिव कर देगा, आर टू को नेगेटिव कर देगा, आर वन को पॉजिटिव कर देगा, फॉर्मूला आ गया, आ गया, आ गया ना। अब क्या करना है, अब आपने यहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो फॉर्मूले वही पुट करने हैं, सिर्फ चार्ज को अलोंग विद साइन लिख देना है, चार्जेस को कैसे लिख देना है, अलोंग विद साइन, समझ में आया, आया क्या बच्चों, अरे आया, यस, उसमें साइन के साथ नहीं लिखते थे, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिखते थे, यहां पे साइन लिख देना, फॉर्मूला जो है वही पुट करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, हाँ, क्योंकि देखो ये साइन क्यों बता रहा हूं मैं आपको बताता हूं, जरूरी थोड़ी है अगर ये क्यू वन है और ये क्यू टू है तो इस पे फोर्स हमेशा इसी डायरेक्शन में लगे, अगर ये नेगेटिव हुआ तो इस पे इधर लग जाएगा, तो अगर आप चार्ज को साइन के साथ कर दोगे तो ये रिवर्स कर देगा इस डायरेक्शन को, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये मल्टीप्लाई अल्टीमेटली पूरी टर्म के साथ हो रहा है, तो वेक्टर फॉर्म को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, तो ये डायरेक्शन दे देगा, तो ये मैथमेटिकल जो हम बोलते हैं मैनिपुलेशन है वो किया हमने, ऐसा कुछ नहीं है कि वैसे टाइम पास किया है, रट्टा मार रहे हैं कभी सर, ये तो रट्टा मारने वाली चीज हो, लॉजिकल है ये, आ जाओ आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करना घर पे जाके या अभी करवाऊं, चलो यहां पे ही करवा देता हूं, एक चार्ज है 3.4 पे माइनस 2 कूलम, दूसरा चार्ज है 6.8 पे प्लस का 5 कूलम, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड आउट द फोर्स ऑन 5 कूलम चार्ज placed at 6.8 due to -2 coulomb placed at 3.4, calculate करो, शाबाश, 2 मिनट का time दे रहा हूं, पहले बता रहा हूं, जल्दी करो शाबाश बच्चों, टाइम नहीं लगाना इतना, गुड, जल्दी करो शाबाश, शाबाश बच्चों, जल्दी करो, ट्राई करो, गुड, आ जाओ, अब इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है ना, इसको वन मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, टू, तो एफ टू वन के क्यू वन क्यू टू, तो ये आएगा -2 + 5 अपॉन, ये वेक्टर हो गया आपका आर टू पोजिशन वेक्टर, ये आर वन है ना, हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें वही करना है एफ टू वन, जल्दी बोलो, एफ टू वन इज बेसिकली लिखोगे, याद रखने का तरीका बता देता हूं, ये टू वन है तो यहां पे भी टू वन ही आना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, अरे समझ में आया नहीं आया,
तो लिखो 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 माइनस का 10 मल्टीप्लाई करोगे तो इनटू आर टू माइनस आर वन 6 माइनस 3, तो वैसे लिख देता हूं मैं आर टू माइनस आर वन, तो 6i प्लस 8j माइनस आर वन 3i प्लस 4j अपॉन आर टू माइनस आर वन का क्यूब, तो 6i प्लस 8j माइनस 3i प्लस 4j का क्यूब, इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब निकालना है सभी ने, ध्यान से देखना आप। एफ टू वन इज बेसिकली 9 मल्टीप्लाई बाय 10 10 टू द पावर 9 माइनस का 10 हो गया मल्टीप्लाई, यहां से निकालोगे तो 3i प्लस 4j आ गया अपॉन, इसमें देखो अब जल्दी से 3i प्लस 4j के मोड का क्यूब, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या आएगा 5, तो आंसर आएगा आपका 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 माइनस का 10 करोगे तो प्लस का 10 करके इसको मैं इसमें शिफ्ट कर देता हूं माइनस 3i माइनस 3j माइनस 3i माइनस 4j अपॉन 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना आएगा 125 है ना, लिख दो तो F21 की वैल्यू क्या आएगी 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 10 इंटू माइनस का 3i माइनस का 4j अपॉन 125, सोल्व कर लोगे, किसी बच्चे को कोई परेशानी कोई दिक्कत? अरे मैग्नीट्यूड में निकालना था वेक्टर में निकालना था आदित्य, बेटा आप जिसको वेक्टर नहीं आता उसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, वेक्टर आता है आदित्य, वेक्टर में निकालना था ठीक है, स्केलर में नहीं निकालना है, ध्यान से देख लो अब, कुछ भी ज्यादा फालतू दिमाग नहीं लगाना, कुछ ज्यादा वो नहीं करना, तुम्हें सीधा फॉर्मूला है वो देखना है और उसमें पुट करना है साइन के साथ। अब देखो यहां पे F12 लिखोगे तो यहां पे 1 माइनस 2 करोगे, और 21 लिखोगे तो यहां पे 2 माइनस 1 करोगे, रिफत कहां पे डाउट है एक बार बताओ, रिफत डाउट कहां पे बेटा बताओ, किस पॉइंट पे तुम फंस रहे हो, बताओ शाबाश, लास्ट वाला कहां पे, एक बार नोटेशन डालो एक बार, मैं आपको अनेबल कर रहा हूं, एक बार दिखाओ, एक बार टिक करो, एक बार स्क्रीन पे कोई नहीं बेटा करो, एक बार कोई दिक्कत नहीं, यस देखो ध्यान से, ये 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 है, जब 10 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगी, 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, 9 का 9 हो गया ठीक है, अब माइनस का 3i माइनस का 4j वही लिख दिया 125, ये 125 लिख दिया, ये फोर्स आ गया आपका, इससे पहले वाले स्टेप में ये वेक्टर था, इसके मोड का क्यूब लेना है तो मोड निकालोगे पहले वो आएगा 5, ये निकाल लिया हमने मोड, 5 का क्यूब लेना है 125 लिख दिया, समझ में आया क्या? जल्दी बताओ शाबाश, जल्दी बताओ बेटा, आगे सोल्व कर सकते हो ना,
भाई माइनस थ्री आई के नीचे 125 लिख दो, माइनस फोर जे के नीचे 125 लिख दो, तुम्हारी मर्जी है भाई। कर सकते हो तो तुम्हें होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, यानी वो तो कुछ भी कर सकते हो, तो आंसर देखना है ना ऑप्शंस में, ऑप्शंस में देखना है किस तरीके से लिखा हुआ है, उसके साथ अरेंज करके देखो कि हाँ कौन से वाला मैच कर रहा है। वो प्रैक्टिस से ही आएगा कि ऑप्शन में कैसे तरीके से लिखा हुआ है, उस तरीके से हम 125 कैसे आया बेटा, वो आर टू माइनस आर वन जो आया है हमारा वो 3i प्लस 4j है, तो इसका मोड निकालोगे मतलब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कर दोगे ये 5 आ जाएगा। ठीक है, एक बार वेक्टर के लेक्चर्स अभी अपलोड कर दिए है ना, और पूरे वेक्टर की सीरीज बना दी है बेटा, एक बार जाके वो वेक्टर देख लो। ठीक है हाँ, और अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से है ना। चलो आ जाओ आगे चलते हैं, आ जाओ बच्चों देखो ध्यान से। अब हमारे पास एक मान लो स्क्वायर पिरामिडल है ऐसे, हाँ वो तो कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं और प्रैक्टिस करवा देता हूं। स्क्वायर पिरामिडल है, यहां पे हर जगह पे क्यू क्यू चार्ज रखे हुए, क्यू 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 और यहां पे क्यू, यहां से इसकी बेस से हाइट है ए, और इसकी सभी साइड है वो है रूट टू ए, रूट टू ए एंड रूट टू ए। समझ में आया बच्चों? और बेसिकली अगर इसको ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, ध्यान से देखना, ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, यहां से देखोगे ऊपर आंख लगा के यहां पे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। समझ में आया तो बताना, ना समझ में आया तो बताना। एक चार्ज यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। ठीक है हाँ, ओ ड्यूड अजिंक्य ड्यूड हो रहा है तू, या तो गंजी करवा रहा है उसको है। मेरा भी मन था यार पर पेरेंट्स ने मना कर दिया। देखो ध्यान से, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू और ये क्यू, और ये जो ऊपर वाला है वो यहां पे नजर आएगा आपको कहीं पे। समझ में आया? अरे आया सभी को? आया क्या? हाँ, अब जो ये साइड है सभी क्या है, रूट टू ए है, तो मतलब यहां से यहां तक की दूरी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूं कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स जीरो वाई ए और जेड जीरो, इसके क्या आएंगे, एक्स ए वाई जीरो जेड जीरो, इसके एक्स जीरो वाई माइनस ए एंड जेड जीरो, इसके एक्स माइनस ए वाई जीरो जेड जीरो, और जो ये वाला चार्ज जो यहां पे रखा हुआ ऊपर थोड़ा उठ के है, ये याद रखना, ये थोड़ा सरफेस से उठ के है, अब ऊपर से देखोगे तो ऐसा ही नजर आएगा ना, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे, ध्यान से देखो ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स जीरो वाई जीरो जेड ए। समझ में आया? आपसे पूछा गया फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल,
फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, कैलकुलेट करो, शाबाश। इसको वेक्टर फॉर्म से ही कर सकते हो इजीली, वरना नहीं हो पाएंगे। करो शाबाश, अरे जल्दी करो। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पिरामिडल। अरे करो, करो शाबाश। कोऑर्डिनेट फिर से एक्सप्लेन करे बेटा, ये ओरिजिन है, मान लो यहां पे ऐसे एक्स एक्सिस जा रहा है, ये वाई एक्सिस जा रहा है, उससे पास करके ये अगर रूट टू ए, कब होगा, कब होगा बताओ। ये मान लो 90 डिग्री का एंगल है, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, यहां से यहां तक की दूरी है ए, तो x का कोऑर्डिनेट a आ गया, y और z 0 0, ये माइनस y, ये माइनस a, तो इधर x का कोऑर्डिनेट माइनस a, y और z 0 0, ये इधर जाओगे आगे तो प्लस y, तो x और z 0, y का प्लस a, इधर पीछे आओगे तो क्या आएगा, माइनस y, तो आएगा 0 - a 0। अब समझ में आया, अब इसको ऊपर से देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, क्योंकि ये a और ये a और 90 डिग्री का एंगल, तो पक्का ये रूट टू ए आएगा। अब समझ में आया क्या, है भाई, सोल्व करो जल्दी से, फास्ट जल्दी से सोल्व करो, अभी भाई क्वेश्चन करने हैं, यू तो यूं ही करते रह जाओगे तुम तो, टाइम पास मजे में आराम से, फकत बिल्कुल, जिनको बोलते थाली। चुपचाप करो जल्दी से, वरना एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा शाम को, मैं बता देता हूं, मेरे को जिस शेड्यूल से चलना है मैं उसी शेड्यूल से पहुंचूंगा। सोल्व करो शाबाश, अरे भाई साहब, अरे नेट फोर्स इस पे क्या आएगा, क्या इन सभी फोर्सेस का सम, मैं इसको नंबरिंग दे रहा हूं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 की वजह से क्या फोर्स आएगा, देखो 1 2 3 4, ऐसे भी देख लो। अब 1 की वजह से क्या आएगा, F on O due to 1 K Q square upon O का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, A माइनस, इसके IJ के अपने आप मान लेना, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, हाँ, माइनस इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 1 का 1, 0, 0 अपॉन इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अपने आप करोगे, पहले बता रहा हूं, सॉरी मैग्नीट्यूड का क्यूब, हाँ, फिर उसके बाद में एफ ऑन ओ ड्यू टू, एफ ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ओ ड्यू टू 2, तो लिखोगे के क्यू स्क्वायर अपॉन क्यूब, वेक्टर का क्यूब, ऊपर क्या लिखना है, ओ का कोऑर्डिनेट 0, 0, A माइनस सेकेंड चार्ज का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0, A, 0, समझ में आया बेटा, अभी मेरे को इतना पता नहीं आपको करना कैसे, वो मैं बता देता हूं। सिमिलरली आप क्या करोगे, मैं सोल्व करके बता रहा हूं, F3 क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन जो चार्ज O पे रखा है, मतलब जहां पे जिस पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट, और जिसकी वजह से कर रहे हैं
उसके कोऑर्डिनेट, तो वो आएगा माइनस एक्स पे, है ना, तो माइनस ए कोमा जीरो कोमा जीरो। थर्ड चार्ज देख लो एक बार, थर्ड चार्ज के कोऑर्डिनेट क्या है, थर्ड चार्ज के कोऑर्डिनेट क्या है, ये है ना, तो जिस पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं पहले उसके कोऑर्डिनेट, माइनस जिसकी वजह से कर रहे हैं फिर उसके कोऑर्डिनेट। अब इनको मैं आराम से वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, के क्यू स्क्वायर, देखो जीरो आई जीरो जे वन ए के, ए के माइनस ए आई, है ना, और इसका ए के माइनस ए आई का क्या करना है, क्यूब कर देना है नीचे, ठीक है ना। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें, देखो अब के क्यू स्क्वायर अपॉन जीरो आई जीरो जे जीरो ए के, ए के लिख देना है, माइनस ए जे अपॉन ए के माइनस ए जे का क्यूब, इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब। सिमिलरली ध्यान से देखना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन उससे पहले ऊपर ए के माइनस ऑफ माइनस, मतलब प्लस, माइनस ऑफ माइनस प्लस ए आई, ए के प्लस ए आई का क्यूब, समझ में आया। एफ जीरो फोर के क्यू स्क्वायर किस पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जो चार्ज यहां पे बैठा है, और किसकी वजह से, देखो फोर की वजह से, फोर का कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, जीरो माइनस ए जीरो, तो जीरो माइनस ए जीरो अपॉन इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब, तो लिखोगे के क्यू स्क्वायर ए के माइनस ऑफ माइनस प्लस ए जे अपॉन ए के प्लस ए जे का मैग्नीट्यूड का क्यूब, कर लोगे, कर लोगे ना, बस, तो फिर क्या दिक्कत। याद रखना चार्जेस को साइन के साथ लिखना है। अब ये तो तुम लोग कर लोगे, बढ़िया बात है, ठीक है। और एक घर से करके लेके आना, एक तो देखो यहीं पे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन दिया था, जिसके लिए मैंने बोला था कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, ऐसा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर लो इन कूलम्स फॉर्म, कि अगर मान लो एक चार्ज दे दिया जाए 2, 3, 4 पे 2 कूलम, एक 5, 8, 9 पे 3 कूलम, तो बताओ फोर्स क्या आएगी इनके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। ये आपका होमवर्क है जो आपको घर से करके लेके आना है, ठीक है, ठीक है ना, यस। दूसरा होमवर्क सुन लो अब, दूसरा होमवर्क सुन लो अब जल्दी से। एक होमवर्क, एक क्यूब है आपके पास, जिसकी साइड है ए 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 ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है, अच्छी बात है। और जिस पे चार्ज रखे हैं क्यू 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 क्यू, ठीक है, क्या इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो सभी चार्ज पार्टिकल के, पहले ये बताओ। अरे कोऑर्डिनेट तो निकाल सकते हो ना सभी चार्ज पार्टिकल के, या वो भी निकालने सिखाऊं, निकाल सकते हो ना, फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, फाइंड नेट फोर्स एफ नेट ऑन दिस चार्ज, ये होमवर्क है, घर बैठ के टाइम पास करते रहना, आ जाएगा अपने आप आंसर, डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आया। समझ में आया क्या, हाँ करना है, ठीक है, ओके। एफ नेट मतलब सभी की वजह से टोटल फोर्स को ऐड करना है, इससे पहले भी जो ये फोर्सेज आई थी इनको ऐड ही करोगे, अरे नेट फोर्स क्या आएगी,
एफ नेट आएगी वो आएगी एफ नोट वन प्लस एफ नोट टू प्लस एफ नोट थ्री प्लस एफ नोट फोर, सभी चार्जेस की वजह से फोर्स, ठीक है। हाँ तो ये जो फोर्स आई है इस क्वेश्चन में वो भी ऐसे ऐड करोगे और नीचे वाले में भी सभी फोर्सेस इंडिविजुअल निकाल के सभी का ऐड करोगे वेक्टर एडिशन, ठीक है। हाँ तो आज के लिए इतना ही है, इवनिंग में क्लास होगी तो इन्फॉर्म कर दूंगा, पर प्लीज थोड़ा स्पीड से पढ़ा करो, है ना। समझ में आया बच्चों? बेटा बोर्ड पे पॉसिबिलिटी इसलिए